नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास 9 चैप्टर 8 गति मोशन अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर हल। इस अभ्यास में कुल 10 आंकिक प्रश्न हैं जिसका उत्तर हल आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए अभ्यास का पहला प्रश्न, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। एक एथलीट दौड़ने वाला वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास कितना है 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा, इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल, मान लीजिए यह एक वृत्तीय रास्ता है जिसका व्यास कितना है 200 है, व्यास कितना है 200 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से वो चक्कर लगाना शुरू करता है। अब वृत्तीय रास्ते का व्यास डी बराबर कितना है 200 मीटर, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय 40 सेकेंड, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी इस वृत्तीय रास्ते की परिधि, यानी परिधि यदि इसकी त्रिज्या आर हो तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr, हम इसको ऐसे लिखते हैं पाई 2r, यानी त्रिज्या का दूना क्या होता है व्यास। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 और व्यास 2r कितना हो जाएगा 200, तो इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 4400/7 मीटर, यानी एक चक्कर में इतनी दूरी वो तय करेगा। अब हम देखते हैं कि 2 मिनट में वह कितना चक्कर लगाता है, उसी अनुसार हम वो दूरी ज्ञात करेंगे। तो 2 मिनट 20 सेकेंड तो हो जाएगा 2 × 60 = 20 = 120 × 20 = 140 सेकेंड। यहाँ पर 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, चूंकि 40 सेकेंड में लगा चक्कर बराबर एक, इसलिए एक सेकेंड में लगा चक्कर बराबर 1/40, इसलिए 140 सेकेंड में लगा चक्कर बराबर 1/40 × 140, यदि इसको सरल करेंगे तो यह आएगा 7/2, 7/2 = 3.5, यानी 3 चक्कर और आधा चक्कर लगाया गया, यानी 3.5 चक्कर। इसका अर्थ हुआ 2 मिनट 20 सेकंड में इतना चक्कर, एक चक्कर में हमें दूरी मालूम है, तो हम यहाँ निकालेंगे सीधे सीधे 3.5 चक्कर में चली दूरी बराबर हो जाएगा, एक चक्कर का मालूम है तो 3.5 × 1 चक्कर का यहाँ है तो 4400/7। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 2200 मीटर, यानी कहने का अर्थ है 2 मिनट 20 सेकेंड में 2200 मीटर दूरी एथलीट तय करेगा। अब हमें निकालना है व्यास, तो ध्यानपूर्वक देखिए ये यहाँ से चलना शुरू करता है, ये यहाँ से चलना शुरू करता है और कितना चक्कर लगाता है 2 मिनट 20 सेकेंड में 3.5, यानी 3 चक्कर आधा चक्कर, तो जैसे एक चक्कर
दो चक्कर, तीन चक्कर और फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा यानी आधा चक्कर। तो इसका जो विस्थापन होगा यही होगा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती। विस्थापन जो होता है किसी वस्तु के या किसी व्यक्ति के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो ये न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 200। तो विस्थापन हम यहाँ लिख सकते हैं, विस्थापन बराबर प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों, अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, और जो कितने के बराबर है? 200। ये 200 मीटर इसका विस्थापन होगा और ये चली गई दूरी। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न दो। 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? ए सिरे ए से सिरे बी तक तथा बी सिरे ए से सिरे सी तक। यदि हम 50 सेकंड की जगह 30 सेकंड लिख देंगे तो जो इस बुक में आंसर दिया है वो सही रहेगा। तो हम 50 की जगह 30 लेंगे। तो देखिए इसमें पहला सिरे ए से सिरे बी तक है क्या? जोसेफ सिरे ए से सिरे बी तक, जिसके बीच की दूरी 300 मीटर है, जॉगिंग करता है और फिर एक घूमता है 1 मिनट में सी पर पहुंचता है। लेकिन हमें पहले निकालना है सिरे ए से सिरे बी तक। तो चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी सिरे ए से सिरे बी तक कितना है? 300 मीटर। लगा कुल समय, लगा कुल समय कितना है? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो 2 मिनट और 30 सेकेंड है, तो 2 × 60 × 30 ये होगा 120, और ये 30, तो 120 × 30 बराबर 150 सेकंड। अब हमें निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल निकालना है। तो हमें चली गई कुल दूरी में लगा कुल समय का भाग देना होगा। तो 300 बटे 150 बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है? औसत वेग। तो औसत वेग के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर विस्थापन बटे समय होगा। क्या होगा? विस्थापन बटे समय। तो ध्यान दीजिए विस्थापन भी इसमें कितना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी वो कितना है? 300 मीटर है। तो समय वही है 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। तो 150 का हम भाग देंगे जो आएगा ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, यानी जो औसत चाल है वही औसत वेग है। अब ध्यान दीजिए दूसरा जो इसमें बी है, सिरे ए से सिरे सी तक। तो अब इसमें हमें चली गई कुल दूरी निकालना होगा पहले। तो बी सिरे ए से सिरे सी तक चली गई कुल दूरी, केवल कुल दूरी लिखते हैं, कुल दूरी। तो कुल दूरी ध्यान दीजिए ये पहले बी पर जाता है और फिर 100 मीटर रिटर्न होता है। तो ए बी धन बी सी ये हो जाएगा टोटल
300 धन 100 बराबर 400 मीटर। और समय, कुल समय कितना होगा? कुल समय होगा आपका यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लग रहा है? 150 सेकेंड। तो 150 और फिर बी से सी तक पहुँचने में 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड। कितना होगा? 60 सेकेंड। तो कुल हो गया 210 सेकेंड। अब हमें निकालना है पहले औसत चाल फिर औसत वेग। तो पहले औसत चाल की बात होगी, तो औसत चाल जो होगा, औसत चाल चली कुल दूरी 400 और लगा कुल समय 210। जब हम इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.904। इसको हम लिख सकते हैं 1.90 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया औसत चाल। अब हमें निकालना है औसत वेग। क्या निकालना है? औसत वेग। तो देखिए औसत वेग, तो औसत वेग में हमें विस्थापन निकालना होगा। तो पहले हम निकालते हैं विस्थापन कितना होगा। विस्थापन तो देखिए यहाँ से यहाँ जाता फिर यहाँ, तो दो विस्थापन में क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी है एसी है। क्या है? एसी है। तो एसी बराबर हो जाएगा एबी माइनस बीसी, यानी 300 माइनस 100 बराबर 200 मीटर। और समय, समय तो वही है, समय इसका हमें जो इसमें लगा है 210 सेकेंड वही लिखना होगा, 210 सेकेंड। अब हम निकाल सकते हैं औसत वेग। तो औसत वेग हो जाएगा, औसत वेग वही सूत्र, विस्थापन बटे लगा कुल समय। तो विस्थापन कितना है? 200 मीटर और ये हो जाएगा 210 सेकेंड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकला B के लिए औसत चाल और औसत वेग। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3। प्रश्न 3, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किमी प्रति आवर पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किमी प्रति आवर है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? यानी स्कूल जाने में औसत चाल 20 किमी प्रति आवर और वापस लौटने में 40 किमी प्रति आवर है। अब पूरी यात्रा में यानी जाने और लौटने में हमें औसत चाल निकालनी है। तो देखिए हल, माना स्कूल की दूरी यक्स किमी है, यक्स किमी है। जाने में लगा समय, जाने में यदि जाने में लगा समय T1 आवर हो तो औसत चाल चली गई कुल दूरी यानी यक्स और समय कितना है T1 घंटे आवर, यही औसत चाल निकली और ये कितने के बराबर है 20 किमी प्रति आवर। अतः यक्स बटे T1 बराबर 20, इसको हम तिरेक गुणा करके यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं यक्स बटे 20 बराबर T1, या हम लिख सकते हैं इसको T1 बराबर यक्स बटे 20, पहला समीकरण। अब देखते हैं लौटने में लगा समय यदि T2 हो तो औसत चाल क्या होगी। यदि
लौटने में लगा समय T2 आवर हो तो औसत चाल, औसत चाल, दूरी वही है स्कूल की यक्स और समय क्या हो T2। अब प्रश्न में यही दिया है 40 किमी प्रति आवर, तो यक्स बटे T2 बराबर 40, या हम लिख सकते हैं यहाँ से समय निकाल सकते हैं T2 बराबर यक्स बटे 40। दूसरा यानी जाने में लगा समय हमें मिल गया और आने में समय मिल गया, और जाने में दूरी यक्स और आने में भी लौटने में भी दूरी किया है यक्स। अब औसत चाल हम पूरी यात्रा में निकाल सकते हैं, पूरी यात्रा में औसत औसत चाल, तो चली गई कुल दूरी यक्स धन यक्स, समय कितना है जाने में यक्स बटे 20 और लौटने में यक्स बटे 40। ये जोड़ेंगे 2x होगा, और इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस यक्स बटे 40। अब इसको सरल करते हैं तो 2x बटे 3x बटे 40, और इसको हम लिख सकते हैं 2x बटे 3x, और ये ऊपर चला जाएगा 40, और ये यक्स से यक्स कैंसिल होगा, ये 80/3 आएगा, जो कि डिवाइड करने पर 26.6 किमी प्रति आवर। यही पूरी यात्रा में अब्दुल की औसत चाल होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न 4। कोई मोटरबोट झील में विरामावस्था से सरलरेखी पथ पर 3.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8.0 सेकंड तक चलती है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, ये हमें ज्ञात करना है। मोटर बोट विरामावस्था से चलती है, इसका अर्थ हुआ कि प्रारंभिक वेग शून्य होगा, त्वरण यहाँ दिया है गया है, और समय ये है, इस समय में कितनी दूरी तय करेगी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हल, विरामावस्था चलती थी, प्रारंभिक चाल U क्या होगा, शून्य होगा, त्वरण A क्या हो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय T 8.0 सेकेंड, और हमें इस समय में दूरी ज्ञात करना थी, यानी हमें यस निकालना है। तो हम जानते हैं यस बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पर U शून्य है और T का मान 8 है, और 1 फिर A का मान कितना है 3 है, और 8 का स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा आपका शून्य, और यहाँ 3×8 = 64/2, ये हो जाएगा 3×2 से काटेंगे 32, ये हो जाएगा 96, सरल करेंगे तो 96 मीटर, यानी मोटर बोट 96 मीटर दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न पांचवा। प्रश्न 5। किसी गाड़ी का चालक 52 किमी प्रति आवर की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है, कार 5 सेकंड में रुक जाती है, दूसरा चालक 30 किमी प्रति आवर की गति से चलते हुए दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें, ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। प्रश्न में दो कार हैं, एक की चाल 52 किमी प्रति आवर, 5 सेकंड में वो रुक जाता है ब्रेक मारने पर, और दूसरा है 30 किमी प्रति आवर, 10 सेकंड में रुक जाता है ब्रेक लगाने पर। हमें समय चाल ग्राफ खींचना है और उसी आधार पर हमें कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी ज्ञात करना है। तो देखें यहाँ पर हल, पहली कार की प्रारंभिक चाल, पहले कार के लिए यू प्रारंभिक चाल जो है 52 किमी
प्रति आवर है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 52 × 1000 का गुणा कर देंगे मीटर होगा, 60 मिनट × 60 सेकंड ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 14.4 मीटर पर सेकंड, ये हमें प्रारंभिक चाल मिलेगा। अब यहाँ पर अंतिम चाल जो है 5 सेकंड में, t = 5 सेकंड और अंतिम चाल 0, ये पहली कार के लिए हो। और दूसरी कार के लिए प्रारंभिक चाल u जो है 30 किमी प्रति आवर है, इसको भी 30 × 1000 / 60 × 60 इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। ये 10 सेकंड में इसका चाल 0 हो जाता है, तो t = 10 सेकंड और अंतिम चाल 0 होगा। अब इसको हमें ग्राफ पेपर पर इसको खींचना है, तो देखिए ग्राफ पेपर पर कैसे खींचा जाएगा, करेंगे क्या, ये आपका ग्राफ पेपर है। तो इस प्रकार पैमाना मानेंगे कि ग्राफ पेपर पर आसानी से खींच सकें। तो देखिए यक्स अच पर हम समय को लेंगे, यक्स अच समय लेंगे और इस पर एक खाना, ये जो बड़ा खाना है, एक खाना बराबर 1 सेकंड रखेंगे। और वाई अच पर चाल लेंगे मीटर पर सेकंड में और इस पर एक खाना बराबर 2 मीटर पर सेकंड लेंगे और बनाएंगे। तो देखिए हमें इसी प्रकार बनाना है कि ये पूरे ग्राफ पेपर पर, इसी ग्राफ पेपर पर हो जाए। तो देखिए इसको हम बनाते हैं अभी, देखिए हमें कितने खाने, 14 है तो 7 खाने से अधिक लेना है, क्योंकि यहाँ पर वाई एच पर एक खाना बराबर 2, तो 14 में 7 से ऊपर आएगा। तो इसको ध्यान देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे आएंगे क्योंकि हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम खींच लेंगे ऐसे और इसी प्रकार यहाँ पर खींचेंगे वाई एच, जिस पर चाल को हमें दर्शाना है, तो ये आ गया यक्स ओ यक्स डैश, ये है वाई ओ वाई डैश। इस पर एक खाना बराबर, तो 1 सेकेंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार यहाँ है एक खाना बराबर 2 मीटर पर सेकेंड वाई एच पर। तो 2 4 6 8 10 12 14 इस पर समय है सेकेंड में, समय सेकेंड, और इस पर क्या है, चाल है, इस पर चाल है मीटर पर सेकेंड। अब हमें पहला जो आंकड़ा मिला है पहले कार के लिए, पहली कार के लिए, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर है चाल जो है प्रारंभिक 14.4 है, तो देखिए 14.4 तो ये आ जाएगा 7 खाने और फिर छोटे खाने 2 खाना होगा। तो ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा और समय कितना इसके लिए 5, तो 5 सारी देख ले सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों को मिलाते हुए ये देख रहे हैं इससे ऊपर 14 यहाँ और फिर हमें 14.4 है लेना है। तो इसको हम ऐसे खींच देंगे, पहली कार के लिए ग्राफ हमारा बन रहा है, दूसरी कार के लिए भी बनाते हैं, ये ऐसे खींच देंगे। अब देखिए दूसरी कार के लिए जो मान लें ये वो है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी लिख देंगे,
ये हो गया आपका बी। अब दूसरी कार के लिए जो हमें प्रारंभिक चाल है 8.33 है, तो देखिए ये हो गया 8 और एक खाना और एक से थोड़ा सा अधिक, और समय कितना है इसके लिए 10 सेकेंड, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, तो यहाँ 10 अंतिम वेग शून्य होगा, तो ये हम इसको मिलाते हुए ऐसे खींचेंगे। ये पहली कार, ये दूसरी कार के लिए, ये दूसरी कार, ये पहली कार, और ये सी और यहाँ पर डी ले लेते हैं। अब हमें निकालना है कि ये तो हो गया ग्राफ, और अब हमें निकालना है दूरी कि पहली कार 5 सेकंड में कितनी दूरी तय की है, दूसरी कार 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की है। तो देखिए पहली कार के लिए ये जो इसके द्वारा जो एरिया घेरी जाएगी, ये जो कवर्ड एरिया है यही दूरी होगी, तो चली गई दूरी पहली कार के लिए, पहली कार के लिए चली दूरी, चली दूरी त्रिभुज ए ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर लंब जो होगा होगा 14.4 और आधार देखिए 5। यदि हम इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 36 मीटर। अब देखिए दूसरी कार के लिए चली दूरी जो होगा एरिया त्रिभुज क्या है, देखिए दूसरी कार सी ओ डी का क्षेत्रफल 1/2, ये समकोण त्रिभुज है तो 1/2 लंब या आधार गुणे लंब जो भी कहिए, तो हम यहाँ पर पहले लंब ही लिख दिए हैं, इसमें आधार लिखते हैं, आधार कितना है इसमें 10, तो 10 गुणे लंब कितना है 8.33, यहाँ पर है 8.33। यदि हम इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 41.65 मीटर। तो प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, कौन सी कार दूसरी कार अधिक दूरी तय करती है। यहाँ आप 8.33 है, यहाँ 14.4 है, यहाँ जहाँ कट कर रहा है, तो ये है आपके प्रश्न का जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6, चित्र 8.11 में 3 वस्तुएं ए बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है, इन तीनों वस्तुओं में से सबसे तीव्र गति से कौन गतिमान है, तो इसमें बी जो है सबसे तीव्र गति से गतिमान है। वस्तु बी सबसे तीव्र गति से गतिमान है क्योंकि इसकी ढाल सबसे अधिक है। ऐसे भी समझिए, देखिए कम समय में, ये इधर समय है इधर दूरी है, तो देखिए बी कम समय में सबसे अधिक दूरी तय किया है 12 के लगभग, बाकी देखिए उतने समय में ये जो यहाँ है 12 से ये समय है, इस समय में ये लोग ए और सी कम दूरी तय किए हैं। अब इसी में का अगला प्रश्न है बी, क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे, क्या तीनों किसी भी समय सड़क के एक बिंदु पर होंगे, नहीं क्योंकि तीनों एक बिंदु पर ग्राफ में एक बिंदु पर नहीं काट रहे हैं, क्योंकि तीनों वस्तुओं का ग्राफ एक बिंदु पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब इसका अगला भाग सी
जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी ए से गुजरती है, देखिए ये है, उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। तो यदि आप यहाँ से इसको मिला, जहाँ काट रहा है ये बिंदु है, ये इसका बिंदु है, और फिर यहाँ से यदि हम नीचे आएंगे तो देखिए ये बिंदु आपको मिल रहा है, ये लाइन है। अब इस समय में सी कितनी दूरी तय करता, तो सी की जो तय की गई दूरी है वह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सी यह है, सी की लाइन ये चल रही, सी यह है, तो इतनी दूरी तय किया करीब आठ किमी। लेकिन एक बात है कि ये यहाँ से शुरू किया है, आठ किमी तक तो पहुँचा है, लेकिन वो शुरू कहाँ से किया है, यहाँ से। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 खाने बराबर 4 किमी है, कितना है 4 किमी। तो एक खाने या एक बॉक्स बराबर, एक खाने बराबर 4/7 किमी, ये हुआ। पहले इसे मैं निकालना होगा, तो यहाँ पर 7 खाने देख रहे हैं, 7 खाने जो है 4 किमी के बराबर, तो 1 खाने हम निकालते हैं यहाँ पर, 1 खाना। अब ये 1 2 3 4 खाना, ये 4 खाने से ही शुरू करता, तो ये इसमें से 8 किमी में से घटाना होगा। तो 4 खाना यदि हम किमी में बदलेंगे तो 4 खाने बराबर, क्योंकि 1 खाने बराबर 4/7 है, तो 4 × 4/7 बराबर 16/7 किमी, इतना हमें घटाना होगा। यही दूरी सी द्वारा चली गई है, तो सी द्वारा चली गई दूरी जब बी ए से गुजरती है, सी द्वारा चली दूरी तो 8 चला गया है, लेकिन ये शुरू यहाँ से किया तो इतनी दूरी घटानी होगी, 4 खाने की जो दूरी होगी, तो यहाँ 8 − 16/7, 7/56 − 16/7 बराबर 40 आएगा, 40/7 किमी इतनी दूरी तय करेगा सी। अब अगला प्रश्न इसी में है, अब इसी में अगला प्रश्न है डी, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। जिस समय बी सी से गुजरती है, तो बी सी से गुजरती का मतलब प्रतिच्छेद करती है ग्राफ में, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, और बी यहाँ से शुरू की है, तो हम चले आएंगे इसी को पकड़ करके, ये यहाँ पर है, ये पकड़ कर चले आएंगे इस पर, और यहाँ देखें कितने खाने हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खाने वो दूरी तय की है, और 9 खाने का किमी में बदलेंगे तो बी द्वारा चली दूरी बराबर हो जाएगा, एक खाने का मान हमें मालूम है, तो 4/7 × 9 9 × 36/7 किमी दूरी बी तय करेगी जब वह सी को क्रॉस करती है, गुजरती है सी से, क्रॉस करती है अर्थात उसे गुजरती है, तो 36/7 किमी दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न 7, प्रश्न संख्या 7, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी। 2 बातें पूछी गई हैं, एक तो है किस वेग से धरातल से टकराएगी और दूसरा है कितने समय पश्चात धरातल से टकराएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, 20 मीटर की ऊंचाई यानी यच ये बराबर 20 मीटर, इसको हम यस से भी डिनोट करते हैं, और
गैस गिराया जाता है, यानी प्रारंभिक वेग जो होगा, क्योंकि विरामावस्था से गिराया जा रहा है, तो प्रारंभिक वेग u क्या होगा इसका? जीरो होगा। त्वरण क्या है? a त्वरण जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमें यहाँ पर निकालना है किस वेग से धरातल से टकराएगी, यानी अंतिम वेग निकालना है, अंतिम वेग v निकालना है। इन चारों में संबंध क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस या यस भी लिख सकते हैं, तो वही ऊंचाई या दूरी। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग शून्य, क्योंकि वो विरामावस्था से गिराई जा रही है, तो यहाँ शून्य लिख देंगे। और त्वरण का मान कितना है? 10 है। और जो दूरी है या ऊंचाई है वह कितना है? 20 है। तो ये हो जाएगा 400, यानी वी स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें? 400। वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20। यही इस वेग से 20 मीटर पर प्रति सेकेंड के वेग से वो धरातल से टकराएगी। अब इसमें निकाला जाएगा कि कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराए, इस वेग से टकराएगी, लेकिन अब हमें समय निकालना है। तो समय के लिए जो होता है, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये क्या है? 20 है, 0 है प्रारंभिक वेग, टी निकालना है, और फिर हाफ, और ये क्या है? एक त्वरण कितना है? 10 है। त्वरण कितना है? 10 है, 10 लिख देंगे, और यहाँ टी स्क्वायर। तो 20 ये हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा 5t². अब इसको हम लिख सकते हैं या 5t² बराबर 20, या टी स्क्वायर बराबर 5 का भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 4, या टी बराबर होगा अंडर रूट 4 बराबर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में वो धरातल से टकराएगी। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न 8। किसी कार का 4 समय ग्राफ चित्र 8.12 में दर्शाया गया है। ए पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। पहले 4 सेकंड में, तो ये 4 सेकंड आपका है, इसको यदि हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ मिल रहा है, और ये 4 सेकंड में कार द्वारा दूरी तय करती है, तो यही दूरी वो तय करेगा। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित, इसको छायांकित कर देना है, इसको हमें क्या करना है? छायांकित कर देना है, और इस दूरी को ज्ञात भी करना है। तो देखिए, यदि हम इसको यहाँ पर ए लिख दें और यहाँ बी लिख दें, और ये कर्व है, वक्र है, यदि हम इसको सीधा कर दें, लगभग दूरी हमें निकलेगी जो 4 सेकंड में कार द्वारा तय की जाएगी, एक समकोण त्रिभुज त्रिभुज बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वही तय दूरी होगी 4 सेकंड में। तो कार द्वारा पहले 4 सेकंड में तय दूरी बराबर, एक त्रिभुज है, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ही दूरी होगी, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2। आधार क्या है? ओ बी, और ऊंचाई या लंब ए बी, तो यहाँ पर हाफ ओ बी 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड, और ये बी है, सॉरी ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 6 का गुणा कर देंगे 4, और 2 से काटेंगे इसको, तो 6 24, 2 से भाग देंगे, 12 मीटर लगभग 12 मीटर लगभग लगभग 12 मीटर तय करेगी पहले 4 सेकंड में, और इसी को हमें छायांकित कर देना है। अब इसका दूसरा भाग है बी, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो एक समान गति हम देख रहे हैं, यहाँ तक तो कर्व है, फिर आगे भी कर्व है, 6 सेकंड बाद
6 सेकंड बाद एक सीधी रेखा निकल रही है, समय बढ़ रहा है लेकिन चाल उसका 6 से कुछ अधिक है, ये है 6 से कुछ अधिक है। तो 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद कार एक समान गति से गति करेगी, 6 सेकंड बाद एक समान गति से गति करेगी। जो ये एक सीधी रेखा मिल रही है यही है। अगला प्रश्न नवा देखिए। नवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव हैं तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। ए संभव है, संभव है, जैसे हम किसी वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक नियत त्वरण जी जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है नीचे की तरफ कार्य करता है, और ये वस्तु ऊपर जाती है और एक निश्चित ऊंचाई जाने के बाद इसका वेग जो होता है शून्य हो जाता है, लेकिन त्वरण वहाँ कार्य कर रहा है, वेग देखिए शून्य है लेकिन त्वरण कार्य कर रहा है, उसके बाद वो वस्तु लौटनी शुरू कर देती है। तो ये है उदाहरण, यानी किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो त्वरण नीचे की तरफ कार्य करता है, और यहाँ अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद उसका वेग क्या होगा शून्य हो जाएगा और वहाँ से वस्तु लौटने लगेगी, लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। त्वरण क्या होता है, त्वरण नियत रहता है। त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन वेग क्या होता है शून्य हो जाता है। बी और सी एक ही प्रकार के प्रश्न है, तो सी देखिए ये भी संभव है, ये भी क्या है संभव है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो गति के दिशा के लंबवत त्वरण अभिकेंद्र त्वरण जिसे हम कह सकते हैं, अभिकेंद्र त्वरण निश्चित दिशा में गति कर रहा हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, त्वरण इस दिशा में कार्य करता है लेकिन वस्तु इस दिशा में इसके लंबवत गति करती, निश्चित दिशा में गति करती रहती है। तो यह है इसका उदाहरण, वृत्ति पथ पर किसी वस्तु का चलना ही इसका उदाहरण है। अब अगला प्रश्न दसवां और अंतिम देखिए। प्रश्न संख्या 10, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किमी त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। यानी एक कृत्रिम उपग्रह है जो 42,250 किमी त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। अब यहाँ पर 24 घंटे में परिक्रमा करता है, इसका अर्थ हुआ एक परिक्रमा करने में लगा समय। पहले तो लिखेंगे वृत्ताकार कक्षे की त्रिज्या, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या बराबर है 42,250 किमी, एक बार परिक्रमा करने में लगा समय बराबर है 24 घंटे, 24 घंटे। तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे तो 24 × 60 मिनट × 60 से ये सेकंड हो गया, 60 ये 24 × 60 × 60 ये सेकंड में हो गया। अब एक बार परिक्रमा करने में लगा समय ये, तो एक बार परिक्रमा करने में चली दूरी, एक बार परिक्रमा करने में चली दूरी, वृत्ताकार पथ पर गति हो रहा है, ठीक, एक बार परिक्रमा करती है समय इतना लग रहा है, तो दूरी इसकी परिधि होगी यानी 2πr। अब यहाँ 2 × 22/7 × 42,250 किमी, और चाल जो होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय,
तो दूरी हमारा क्या है, ये है किमी। चलिए दूरी जो परिधि के बराबर है तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 42,250 बटे 7, और इसमें हम समय का भाग दे देंगे तो 24 × 60 × 60। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.07 किमी पर सेकेंड। यही है उसकी चाल, उसकी चाल का परिकलन कीजिए तो कृत्रिम उपग्रह की चाल क्या है, 3.07 किमी पर सेकेंड। नमस्कार।